अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप फॉर बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड ईमान। इन टुडेस शो इज क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास को डिस्कस करने आज हमने इसकी टेक्सोनॉमिक हायरार्की, टेक्सोनॉमिक पोजीशन, क्लासिफिकेशन, अकरेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, रिप्रोडक्शन, ऑल दीज कैरेक्टर्स को ना भी डिस्कस इन टुडेज लेक्चर। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बातें साथ साथ चलेंगी। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और इंस्टा पे फॉलो करना मत भूला करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडेज टॉपिक इज़ क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास को हमने यार डिस्कस करना है कि किस तरह से जो है इसकी क्लासिफिकेशन है या इसमें रिप्रोडक्शन है या इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, सब की चीज़ें। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द टेक्सोनॉमिक, यू कैन से द टेक्सोनॉमिक हायरार्की और द टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लेमाइडोमोनास एज इट इज़ फ्रॉम द किंगडम प्लांटी डिवीजन क्लोरोफाइटा ग्रीन एल्जी। ठीक है, और क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर वोल्बोकेल्स, फैमिली क्लेमाइडोमोनेसी, जीनस क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, तो इस तरह से ये इसकी फुल क्लासिफिकेशन, बिल्कुल सिंपल इजी सी क्लासिफिकेशन है इसकी। और दैट्स राइट साइड यू कैन सी द डायग्राम और द पिक्चर ऑफ द क्लेमाइडोमोनास। बहुत इजी है इसको अंडरस्टैंड करना और एक आप कह सकते हैं कि इट्स नॉट अ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल इसका स्ट्रक्चर है, खूबसूरत सा जिसको हम कहते हैं ना, और नीट एंड क्लीन, और आपको हर चीज़ की समझ आ जाती है कि किस तरह से ये चीज़ सारी हैं। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ इसका स्टेलेट क्लोरोप्लास्ट है। ये इसकी जो है करेक्टरिस्टिक फीचर है क्लेमाइडोमोनास का, कि जिसका क्लोरोप्लास्ट जो है वो स्टेलेट है, मींस स्टार शेप्ड है। ठीक है, इसका स्टैक लाइक या ग्रेना उस तरह से इसका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर नहीं है जिस तरह हम एडवांस ग्रीन प्लांट्स में पढ़ते हैं एलजी में। इसका स्टेलेट क्लोरोप्लास्ट है, ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है क्लेमाइडोमोनास का। ठीक है, उसके अलावा ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें ये फ्लैजलम है, क्योंकि ये मूविंग है, ये फ्लैजला को यूज़ करता है, आई स्पॉट है। ठीक है, और उसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, अब इन सब के हम फंक्शंस और वो डिटेल्स स्टडी करेंगे। ठीक है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं, स्टिग्मा है जो सेंसरी ऑर्गन्स है इसके। ठीक है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट आपको पता ही है क्या चीज़ है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें ग्रीन पिगमेंट और फोटोसिंथेसिस का फुल प्रोसेस होगा उसमें। ठीक है, रिजिज है, रिज आपको पता है एक स्ट्रक्चर को कहते हैं जो रफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। पायरीनाइड स्टोरेज ऑर्गन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, मोस्टली इसमें स्टोर जो है स्टार्च जो है वो स्टोर की जाती है। ठीक है, सेल वॉल है, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। तो ये सब इसका जो है स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजी है क्लेमाइडोमोनास की। ठीक है, और ये स्टेलेट आप ज़रूर याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। ओके, सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसकी कुछ जो है ये क्लासिफिकेशन की तरफ, करेक्टरिस्टिक्स की तरफ, किस तरह से इसकी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स हैं या अक्रंस सबसे पहले ज़ाहिर आती है। ठीक है, अक्रंस में क्या है, इट इज़ फ्रेश वाटर फ्री स्विमिंग एल्गा। ठीक है, फ्रेश वाटर है, फ्री स्विमिंग है, किसी के साथ ये अटैच नहीं है। ठीक है, उसके बाद है मैनी स्पीशीज अकर्स इन दी वाटर्स हैविंग हाईली कॉन्टेंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें सबसे ज़्यादा हाई कॉन्टेंट ऑर्गेनिक मैटर होगा वहाँ पर जो है क्लेमाइडोमोनास प्रेजेंट होगा। इट इज़ फ्रीक्वेंटली फाउंड इन स्टैंडिंग वाटर एंड पॉन्ड्स। ठीक है, फ्रेश वाटर क्योंकि इसकी हैबिटेट है, तो उसमें फ्रेश वाटर पॉन्ड हैं, डिचेस हैं, जहाँ भी पानी खड़ा हो जाए, फ्रेश वाटर हो, पूल्स हैं, रेन वाटर हो सकता है, एंड इन डैम्प सॉइल्स, जो मॉइस्चर वाली सॉइल्स हैं, जहाँ पे मॉइस्चर होता है, वो सॉइल्स भी सब ये क्लेमाइडोमोनास की अक्रेंस या इनका हैबिटेट है। ठीक है, नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं कि किस तरह से इसकी जो है वो मॉर्फोलॉजी है, क्या है, दी प्लांट बॉडी इज थैलस। थैलस है क्योंकि इसमें रूट, स्टेम और लीव्स की डिफ्रेंसिएशन नहीं है, विच कंसिस्ट ऑफ द सिंगल बायफ्लैजिलेट सेल। ठीक है, जिसका एक ही सिंगल सेल होगा, बायफ्लैजिलेटेड होगा, मीन्स के उसमें टू फ्लैजिला होंगे, एंड इट इज़ अबाउट 10 to 30 माइक्रोन इन द लेंथ, और इसका लेंथ का साइज 10 to 30 माइक्रोन है, एंड इट इज़ यूजली ओवल शेप्ड। आप देख रहे हैं इसकी ओवल और ओब्लॉन्ग शेप है। ठीक है, बेस भी शक्ल है, एंड दी सेल ऑर्गनल्स आर माइटोकॉन्ड्रिया, डेक्टायोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइबोसोम्स एंड राइबोसोम एंड न्यूरोमोटर। अब ये सब इसमें जो है वो क्या कहते हैं उसको, न्यूरोमोटर अपरेटस और वो राइबोसोम, डेक्टायोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सब जो ऑर्गनल्स हैं वो इसमें प्रेजेंट हैं ऑलमोस्ट ऑल। ठीक है, इट हैज़ द फॉलोइंग मेन
इसकी जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, डिमार्केशंस आप उसको कह सकते हैं, इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं ये, ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज, ठीक है. सबसे पहले आ जाते हैं इसमें सेल वॉल. सेल वॉल द प्रोटोप्लास्ट इज कवर्ड बाय अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल, जो बिल्कुल वाजिया किस्म की सेल वॉल है इसमें, एंड द सेल वॉल इज थिन है, ठीक है, थिन एंड ट्रांसपेरेंट, एंड इट इज सेलुलोज इन नेचर. सेलुलोजिक नेचर है सेल वॉल में, सेलुलोज है सबसे ज़्यादा, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है वैसे, बट सम स्पीशीज ऑल्सो कॉन्टेन दी हैमी सेलुलोजिस हाइड्रोक्सीप्रोलीन रिच ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, हाइड्रोक्सीप्रोलीन रिच ग्लाइकोप्रोटीन भी हैं इसमें. हाइड्रोक्सीप्रोलीन क्या है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, अमाइनो एसिड्स हैं ये हाइड्रोक्सीप्रोलीन. तो क्या है कि इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जिसमें हाइड्रोक्सीप्रोलीन प्रेजेंट होगा वो भी मोस्टली, और हैमी सेलुलोसिस, लेकिन ज़्यादातर सेलुलोजिक हैं, और उसके अलावा हैमी सेलुलोसिस और ये हाइड्रोक्सीप्रोलीन ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ठीक है. कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, देर आर टू कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स सिचुएटेड इन द साइटोप्लाज्म एट हर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड, ठीक है, पोस्टीरियर और एंटीरियर साइड, एंटीरियर साइड जो है वहाँ पे इसके कंट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है नियर द बेस ऑफ द फ्लैजलम, जहाँ पे फ्लैजलम की बेस है ना, ये ऊपर से आप देखें अच्छे तरीके से, जहाँ पे फ्लैजलम की बेस है, जिस जगह पे फ्लैजलम की बेस है उस जगह पे इस यहाँ पे इसके जो है वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ओके. सो ये इसका स्ट्रक्चर है जो एंटीरियर एंड पे इसका फ्लैजलम प्रेजेंट है, ओके. नेक्स्ट वी हैव इज क्लोरोप्लास्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट का. अच्छा, और ये भी है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है. द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करेगा, ऑल्टरनेटिवली टू एक्सपेल द वाटर, एंड इट्स मेन फंक्शन इज ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है, ऑस्मोरेगुलेशन जो है, या ऑस्मोरेगुलेटरी आप कह लें उसको, इसका फंक्शन ऑस्मोरेगुलेशन में. और आपको पता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन होता भी ऑस्मोरेगुलेशन नहीं है, ठीक है, उसके सोल्यूट और वाटर की कंसनट्रेशन को मेनटेन रखना और उसको बैलेंस में लाना. नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट, देर इज अ कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन दिस सेल. कप शेप्ड है लेकिन उसमें स्टेलेट है, यानी उसमें कॉर्नर्स हैं, उसमें स्टार का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, प्रेजेंट इन दिस सेल, एंड इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर. सैक लाइक स्ट्रक्चर इनक्लोज इन ए ग्रेन्यूलर मैट्रिक्स कॉल्ड द स्ट्रोमा. सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा और उसके अंदर स्ट्रोमा होगा जिसको हम ग्रेन्यूलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है. ग्रेन्यूल मीन्स उसमें ग्रेन्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे. इट कंटेन्स सी क्लोरोफिल पिगमेंट्स, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं. पायरोनाइट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेल वॉल, एंड दी रिजर्व फूड मटीरियल इज स्टार्च. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पायरोनाइट जो है वो स्टोरेज मटीरियल है, और मोस्टली इसमें स्टार्च जो है वो होती है एज ए स्टोरेज मटीरियल. नेक्स्ट इज दी आइस पोर्ट, ठीक है, आइस पोर्ट. ईच सेल हैज़ अ सिंगल आइस पोर्ट टूवर्ड्स दी आउटर फेस, एंड इट इज़ रेड इन कलर. इसका मोस्टली जो कलर है वो रेड होता है, और इसका फंक्शन क्या होगा. आइस पोर्ट इज टू डिटेक्ट द डायरेक्शन एंड द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट. जाहिर है उसके नेम से पता चल रहा है, एज ए आई, आई की तरह वो फंक्शन जरूर करेगा, लेकिन ये हेल्प किस में करता है, इसको डायरेक्शन के डिटर्मिनेशन में, डायरेक्शन को डिटर्मिन करने में, और साथ में लाइट की इंटेंसिटी को चेकआउट करने में, ठीक है. फ्लैजला है मूवमेंट का फंक्शन होगा. द प्रोटोप्लाज्म इज प्रोवाइडेड विद द टू लॉन्ग विप लाइक फ्लैजिला जो हैं इसके पास होंगे, एंड दे आर ऑफ द फॉर द टाइप ऑफ ए 9+2 ब्रांच. 9+2 की अरेंजमेंट होगी इसमें जो फ्लैजिला में होगी, ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फिब्रिल्स, ठीक है, एंड दे आर द लोकोमोटरी ऑर्गन्स. और आपको पता है जहाँ फ्लैजिला मीन्स के वो उसको मूवमेंट में हेल्प आउट करेंगे. एंड द एनर्जी फॉर द लोकोमोशन इज डिराइव फ्रॉम द ATP, और जो इनको लोकोमोशन के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो ATP है. नेक्स्ट इज द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है. द सिंगल सेल, द सिंगल न्यूक्लियस इज लोकेटेड सेंट्रल नियर द एंड एंड वाली जो साइड है वहाँ पे इसके जो है मोस्टली न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एंड इट इज इम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म एंड फिल इज द फोलो होलो ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कप, ठीक है. क्या करेगा कि डैट फिल इन द होलो होलो ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट कप का थोड़ा सा होलो वाला पार्ट है, ठीक है, जो खाली हिस्सा है वहाँ पे न्यूक्लियस को फिल कर देगा. इट हैज़ अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ठीक है, इसका डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस मीन्स उसमें राइबोसोम्स भी हैं और प्रोटीन की प्रोडक्शन भी अच्छी होती है. नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्शन, ठीक है. अब हम देखेंगे थोड़ी सी रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है इसमें क्लेमेडोमोनास में. फर्स्ट टाइप इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेक्स प्लेस एट द जूओस्पोर्स फॉर्मेशन इन द ग्रोइंग सेल, ठीक है. जो ग्रोइंग सीजन है उसमें क्या होगा कि जूओस्पोर्स बनेंगे दैट पेरेंट सेल टू सम टू कम टू रेस्ट. जब पेरेंट सेल रेस्ट में आएगा, ठीक है, फेवरेबल सीजन है, वहाँ पे बन जाएंगे जूओस्पोर्स. जूओस्पोर्स हम पढ़ चुके थे कि मोटाइल सेल्स हैं, और मोटाइल स्पोर्स बनते हैं. इनसाइड दिस सेल की में जो है वॉल की फॉर्मेशन होती है वो मोटाइल होते हैं, ठीक है, मूवमेंट करते हैं. एंड द फ्लैजुला आर
रीअब्जॉर्ब, ठीक है, फ्लैजला को जो दोबारा उसका जो स्ट्रक्चर है उसको रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स डिसअपीयर्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, एंड प्रोटोप्लास्ट विदड्रॉ फ्रॉम द सेल वॉल, वो बाहर निकल आएगा, एंड द साइटोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट एंड द न्यूक्लियस डिवाइडेड अलोंग अ लॉन्गिट्यूडनल प्लेन टू टू डॉटर प्रोटोप्लास्ट। एक सेल में डिवीजन हो रही है, दो सेल बन रहे हैं, जो स्पोर्स बन रहे हैं प्रोटोप्लास्ट में से, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस की डिवीजन होगी, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो ख़त्म हो जाएगा, फ्लैजिला जो हैं वो रीअब्जॉर्ब होंगे, यानी कि दोबारा से वो उसमें आएंगे, और जो लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में इसकी डिवीजन होगी, ठीक है, एंड देन द डिवीजन ऑफ द सेल। अब डिवीजन जब होगी टू बी फॉर्म्ड, क्या ज़ूओस्पोर्स बन जाएंगे ट्रांसवर्स विद रिस्पेक्ट टू द सेल एज होल, फुल होल में जो है, फुल होल सेल में उसकी डिवीजन बनेगी, ठीक है, अलोंग अ लॉन्गिट्यूडनल प्लेन इंटू टू डॉटर सेल्स, एंड देन द डिवीजन कम्स टू ट्रांसवर्स, पहले लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में डिवीजन है, फिर ट्रांसवर्स सेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू द सेल, ठीक है। इन दिस वे यूजली फोर डॉटर प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, एक डिवीजन के बाद, यानी दो डिवीजन होगी ना, एक लॉन्गिट्यूडनल होगी और एक ऐसे ट्रांसवर्स, तो ये दो डिवीजन के बाद चार डॉटर सेल्स बन जाएंगे, एंड वन डॉटर सेल रिसीव्स द आई स्पॉट ऑफ पेरेंट, एक डॉटर सेल में सिर्फ आई स्पॉट जाएगा, एंड द अदर फॉर्म इट अफ्रेश, और बाकी जो है वो अपना आई स्पॉट खुद बनाएंगे, ठीक है। द प्रोटोप्लास्ट विद इन द ओरिजिनल सेल वॉल लुक लाइक अ कॉलोनी, जो ओरिजिनल सेल में प्रोटोप्लास्ट होगा वो कॉलोनी की तरह फील करेगा, जैसे छोटे छोटे सेल्स उसमें इकट्ठे किए गए हों। ईच डॉटर प्रोटोप्लास्ट एक्वायर्स अ सेल वॉल, सेल वॉल बनाएंगे, डेवलप फ्लैजिला ऑफ इट्स ओन, अपने फ्लैजिला बना लेंगे, द वैक्यूल रीअपीयर एंड दे रिजेंबल्स विद द पेरेंट बट स्मॉल इन साइज, एंड द पेरेंट वॉल रपचर्स एंड द डॉटर सेल्स आर एक्सक्रीटेड और कम्स आउट। इसको ज़रा समझें, बिल्कुल सिंपल सा है, जहन में रखना है आपने, टू डिवीजन्स होंगी, सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगी, फिगर भी हम देखते हैं अच्छे तरीके से ताकि आपको समझ आए। देखें सबसे पहले हमारे पास ये सेल है, ठीक है, फर्स्ट सेल आपने देख लिया है ए में, क्या हो रहा है हमारे पास, सबसे ज़ूओस्पोर्स बनने हैं ना, स्टेजेस ज़ूओस्पोर की फॉर्मेशन में कैसे होगा, ए सेल है, ठीक है, ए सेल में क्या हुआ है, ये डिवीजन होना शुरू हो रही है, और जो हमारे जो न्यूक्लियस वगैरह हैं वो प्रोटोप्लास्ट डिसअपीयर हो रहे हैं, ठीक है। ये सेकंड स्टेप में देखें, बी में डिवीजन हुई है और दो सेल्स उसमें बन गए, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के बाद हमारे पास होगी ट्रांसवर्स डिवीजन, जब ये ट्रांसवर्स डिवीजन भी हो जाएगी तो उसके बाद अब इसमें चार पार्ट्स बन जाएंगे, देखें ये फोर पोर्शन है, उसके बाद जो सेल है, अब ये फोर उसमें बन चुके हैं, जो सेल की अपनी वॉल थी पहले वाली पेरेंट सेल की वो डिसअपियर होगी, जब वो डिसअपियर होगी तो ये चारों क्लेमेडोमोनास, ये देखें ये फोर हैं, ये फोर क्लेमेडोमोनास जो हैं वो आउटसाइड द सेल आ जाएंगे और फोर क्लेमेडोमोनास बन जाएंगे, सो जो वो हमारे पास डॉटर सेल्स होंगे वो रिलीज हो जाएंगे फॉर्म दी ज़ूओस्पोर्स, एंड दी डॉटर सेल्स सून ग्रो टू द फुल इंडिविजुअल, जो फुल ऑर्गेनिज्म है या फुल रिपीटेड ऑर्गेनिज्म, इसी प्रोसेस से जो है फुल ऑर्गेनिज्म अपना बन जाएगा, ठीक है। अंडर द अनसबसूटेबल कंडीशंस दी मोटाइल सेल कम टू द रेस्ट एंड लूजेस द फ्लैजिला, अगर अनफेवरेबल कंडीशन है वो अपने फ्लैजिला को लूज करेंगे, रेस्ट पे आ जाएंगे, एंड रिमेन टुगेदर इन द पेरेंट सेल वॉल विच बिकम्स द म्यूसिलेजिनियस एंड स्वेल अप, ठीक है। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो वो इकट्ठे ही रह रहे हैं, एक जगह पे डिवेलप कर रहे हैं, अलग अलग नहीं निकल रहे, ठीक है, एक ही पेरेंट्स हैं, 4 to 8 सेल्स एंड टू डिवेलप दी फ्लैजिला, और उनके अगर फेवरेबल कंडीशन होगी तो द प्रोटोप्लास्ट डिवाइड्स इनटू 4 to 8 सेल्स एंड फॉल टू डिवेलप दी फ्लैजिला, फेल टू डिवेलप दी फ्लैजिला एंड फेल टू एस्केप द डॉटर सेल्स, अब क्या करेंगे, दे रिमेन टुगेदर इन द पेरेंट सेल वॉल विच बिकम्स द म्यूसिलेजिनियस एंड द स्वेल अप, एंड ईच सेल्स एम्बेडेड इन द कॉमन म्यूसिलेज, एंड दिस असेंबली ऑफ द सेल इज नाउन एज द पॉलमेला, इसको पॉलमेला स्टेज कहते हैं, जब वो अभी इकट्ठे रह रहे हैं अगर अनफेवरेबल कंडीशन हो तो, ठीक है। व्हेन कंडीशन बिकम सूटेबल द सेल बिकम्स मोटाइल एंड एस्केप्स आउट ऑफ द म्यूसिलेज एंड ग्रो टू अ पेरेंट सेल, और अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ गई है तो वो अलग हो जाएंगे और सेपरेट सेपरेट निकल आएंगे। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पूरा प्रोसेस है बाय द सेल डिवीजन, ठीक है, ये फिगर सेम उसी तरह है जिस तरह हम लोग पहले कर चुके हैं। अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी, अनफेवर होगी तो वो इकट्ठे रहेंगे, और अगर फेवरेबल कंडीशन होगी तो वो वापस आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास पूरा प्रोसेस जो ज़ूओस्पोर फॉर्मेशन का है।
प्रोडक्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द क्लेमेडोमोनास इज वेरियाइज थ्रू अ वाइड रेंज एंड इट रेंज फ्रॉम द आइसोगैमी टू एन आइसोगैमी एंड इवन प्रिमिटिव टाइप ऑफ द ओगैमी. ठीक है, इसमें आइसोगैमी भी है, एन आइसोगैमी भी है और प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओगैमी भी है. इन आइसोगैमी द फ्यूजन ऑफ द गैमेट सिमिलर इन द साइज फॉर्म एंड द स्ट्रक्चर एंड दस आर कॉल्ड एज आइसोगैमेट्स एंड द सेक्सुअल फ्यूजन टेक्स प्लेस बिटवीन द बायोफ्लैजेलेटेड गैमेट्स. ठीक है, गैमेट्स की फ्यूजन होगी कमिंग फ्रॉम द सेम पेरेंट सेल एंड द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स आर मोटाइल नेकेड एंड स्मॉलर इन साइज एंड एट द टाइम ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन द सेल विदड्रॉ इट्स फ्लैजेला एंड कम्स टू रेस्ट. ठीक है, वो अपने फ्लैजेला को छोड़ देगा और वो रेस्ट में आ जाएगा. एंड द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द सेल देन डिवाइड टू फॉर्म द 16, 32 और 64 डॉटर प्रोटोप्लास्ट एंड इट इज स्फीयर शेप्ड इन फॉर्म एंड हैज नो सेल वॉल. The gametes are released in the water and swim for a while. Finally, they come near each other and fuse in pairs in either end of the side, either end to end or side to side. Okay, and the cytoplasm and the nucleus fuses with the each other and they come to rest and retract its flagella. अब क्या है isogamy में same types of gametes हैं. वो क्या कर रहे हैं? उनकी fusion होगी. ठीक है, उनका size same है, form structure same है. ठीक है, इसलिए इसको हम isogametes कहते हैं. उनकी फ्यूजन होगी, फ्यूजन जब होगी तो वो हमारे पास बायोफ्लैजेलेटेड गैमेट्स बन जाएंगे. ठीक है, बायोफ्लैजेलेटेड गैमेट्स बनेंगे कमिंग आउट फ्रॉम द सेम पेरेंट सेल से बाहर निकल आएंगे. द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स आर मोटाइल नेकेड एंड स्मॉलर. जो है वो गैमेट्स आपस में मिल गए हैं. जब टाइम आता है गैमेट्स फॉर्मेशन का, सेल अपने फ्लैजेला को छोड़ देता है, रेस्ट में आता है और प्रोटोप्लास्ट में होती है डिवीजन. जब डिवीजन होगी तो 16, 32 या 64 डॉटर सेल्स बनते हैं प्रोटोप्लास्ट में. उसकी इस तरह से डिवीजन होगी, पियर शेप होंगे. अनफेवरेबल कंडीशन में वो अंदर ही रहेंगे, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन स्विम आउट ऑफ द सेल एंड साइड बाय साइड जो है 16, 32 और 64 सेल बन जाएंगे. ठीक है, डॉटर सेल्स वो प्लाज्मा में, उनकी सेल वॉल नहीं है अभी. ठीक है, गैमेट्स रिलीज किए जाएंगे वाटर में. ठीक है, थोड़े टाइम के लिए और फाइनली दे कम नियर एक दूसरे के करीब आके इनकी फ्यूजन होती है, चाहे वो साइड बाय साइड करें या एंड टू एंड फ्यूजन करें. ठीक है, साइटोप्लाज्म बनेगा, न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे एंड दे कम टू द रेस्ट एंड रिट्रैक्ट्स द फ्लैजेला when the condition becomes suitable. ठीक है, unfavorable condition में वो rest पे रहेंगे, rounds up and secretes a thick wall. ठीक है, वो अपने around क्या करते हैं, thick wall बनाते हैं और zygospore की form में बने रहते हैं. ठीक है, और जैसे ही क्या होगा कि tide over उनके ऊपर जब कोई tide आती है water की, unfavorable condition रहती है तो उसमें वो rest पे रहेंगे और अगर favorable condition होगी तो फिर क्या करेंगे, in favorable condition suitable becomes the germinated, उसमें germinate करेंगे and the diploid nucleus incorporated into the मीजोस्पोर. जो हमारे पास स्पोर बना था उसने अपना न्यूक्लियस जो है वो बन जाता है, अंडर गोज द म्योसिस, म्योसिस टू फॉर्म द फोर हेप्लाइड न्यूक्लियस. अनफेवरेबल कंडीशन में वो जो सेल बने थे प्रोटोप्लास्ट में वो वॉल क्रिएट करेंगे. ठीक है, और वो वहाँ पे ही रहते हैं. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी. उसके बाद नेक्स्ट सुने, जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो वो क्या करेंगे, दे बिकम जर्मिनेट, जर्मिनेट करेंगे और अगर जर्मिनेट करेंगे द न्यूक्लियस अंडरगो द मियोसिस टू फॉर्म द फोर हेप्लाइड न्यूक्लियाई एंड द हेप्लाइड न्यूक्लियाई आर इवेंचुअली लिबरेटेड द स्पोर्स. जो हेप्लाइड न्यूक्लियाई है इनकॉर्पोरेटेड इनटू द मीजोस्पोर. जो हमारे पास पूरा स्पोर बना है उसमें हेप्लाइड न्यूक्लियाई हो जाएंगे और वो मोटाइल फॉर्म बनेगी. एट दिस स्टेज द जाइगोस्पोर वॉल क्रैक्स. अब जो जाइगोस्पोर की पूरी वॉल बनी थी वो क्रैक होगी, लिबरेटिंग द स्पोर्स हैविंग टू फ्लैजेला एंड द मीजोस्पोर देन ग्रोज टू एन एडल्ट क्लेमेडोमोनास सेल. जो हमारे पास मीजोस्पोर यानी मियोसिस के बाद एक स्पोर बना है उसको म्यूजोस्पोर का नाम दिया है. वो हर एक स्पोर जो है वो ग्रो करेगा, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये था कि एक सेल था, उसकी डिवीजन हुई है, चार डॉटर सेल बने हैं, वॉल जो है वो ख़त्म हो जाएगी, दोबारा से मैंने अपनी सारी कंडीशंस जो ऑर्गेनल्स वगैरह हैं वो सब उसको रिटेन किया है और वो दोबारा सेल बन गया. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये हुआ है कि उन्होंने स्पोर्स बनाए हैं, स्पोर्स को वाटर में रिलीज किया है. अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो वो पहले स्पोर्स जो है वो इकट्ठे ही रहते हैं एक वॉल के अंदर. जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है वो उनको रिलीज करते हैं, म्योसिस होती है, स्पोर्स बनते हैं और हर एक स्पोर जो है वो न्यू क्लेडोमोनास अडल्ट क्लेडोमोनास में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, सो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि क्लेमेडोमोनास में किस तरह से रिप्रोडक्शन होती है.